बढ़े हुए वजन और पके हुए बालों के साथ एक्स हस्बैंड आमिर खान की बर्थडे पार्टी में पहुंची रीना दत्ता। रीना के लुक्स ने एक बार फिर ट्रोलर्स को दे दिया है आमिर पर निशाना साधने का बहाना। रीना को टारगेट कर ट्रोलर्स जमकर मार रहे हैं आमिर खान को ताना। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 14 मार्च को 57 साल के हो गए। अपने जन्मदिन के मौके पर आमिर पूरी तरह से सेलिब्रेशन मूड में दिखे, जहां सुबह उन्होंने मीडिया के साथ केक कटिंग करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो वहीं रात में परिवार के सदस्यों और चंद करीबी दोस्तों के साथ अपने घर पर उन्होंने जन्मदिन का जश्न मनाया। आमिर खान के इस इन हाउस बर्थडे बैश की खास मेहमान बनी उनकी पहली एक्स वाइफ रीना दत्ता। यूं तो आमिर के जश्न में उनकी पहली पूर्व पत्नी रीना का शामिल होना नया नहीं है, लेकिन इस बार जो चर्चा बटोर रहा है वो है रीना दत्ता का हुलिया। दरअसल आमिर की बर्थडे पार्टी में रीना दत्ता एक ब्लैक कलर का आउटफिट पहने पहुंची, जो कि किसी ए लाइन मीडिया आउटफिट की तरह था। उसके साथ रीना ने गोल्डन दुपट्टा कैरी किया। उनका वजन भी पहले से काफी बड़ा हुआ दिख रहा था। बढ़े हुए वजन और ग्रे हेयर्स के साथ रीना अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी लग रही हैं। तो वहीं रीना की ये हालत देख लोगों को भी बेहद हैरानी हुई है, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर रीना के लुक्स को लेकर बहस छिड़ गई है। रीना को उनके वजन और पके हुए बालों की वजह से ट्रॉल किया जा रहा है। तो वहीं कुछ यूजर्स ने तो रीना के एक्स हस्बैंड आमिर खान को भी निशाने पर ले लिया है। एक यूजर ने ना सिर्फ आमिर को निशाने पर लिया बल्कि रीना को भी खुद को मेंटेन करने की नसीहत दे डाली। उस यूजर ने लिखा, ये क्यों अपनी पत्नियों के सफेद बाल रखना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि ये नेचुरल है, लेकिन खुद का ख्याल रखना और अपनी बॉडी और अपीयरेंस को मेंटेन रखना भी जरूरी है। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, कहीं ये आमिर से दोबारा शादी ना कर ले। बता दें कि रीना दत्ता अक्सर अपने लुक्स की वजह से लोगों के निशाने पर आ जाती हैं। कुछ समय पहले ही उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, उस दौरान भी उन्हें अपने मोटापे और सफेद बालों की वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। हालांकि रीना को इस तरह की ट्रोलिंग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बात करें रीना और आमिर खान की खास बॉन्डिंग की, तो तलाक के 20 साल बाद भी रीना और आमिर खान एक दूसरे के काफी करीब हैं। आमिर खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में खुद कबूल किया है कि उन्होंने अपने काम के चक्कर में अपनी दोनों पूर्व पत्नियों रीना और किरण को फॉर ग्रांटेड लिया था। आमिर ने कहा है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, मैं अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपनी पहली पत्नी रीना जी, किरण जी, रीना के माता पिता, किरण के माता पिता, मेरे बच्चों के साथ शुरुआत करूंगा। ये सभी लोग जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वे मेरे करीबी हैं। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया तब मैं 18 साल का था। मैं अपने काम में डूब गया। आज मुझे एहसास होता है कि जो लोग मेरे करीब थे मैं उन्हें समय नहीं दे सका जैसा मैं चाहता था। अब भले ही आमिर अपनी दोनों शादियां टूटने का दोष खुद को देते हों, लेकिन उनकी दोनों पूर्व पत्नियां हर वक्त आमिर का साथ निभाती दिखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।